नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। जब भी बिजली घर के नाम का जिक्र होता है, अक्सर लोगों को बड़े से जमीन में बिजली घर की कल्पना करते देखा गया है, क्योंकि अब तक बिजली घर को एक स्थायी जगह पर जमीन के बड़े हिस्से में बना देखा गया है, जिसके तहत पावर सबस्टेशन बनाने के लिए लगभग 2400 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत पड़ती है। हालांकि बिहार में अब आपको चलता फिरता बिजली घर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बिहार में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आयातित 6 ई पावर सबस्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। एक ई पावर हाउस के निर्माण में 6 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसके तहत 4 राजधानी पटना के लिए और 1-1 मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के लिए की जाएगी, जिसकी स्थापना महज 250 वर्ग मीटर में की जाएगी, यानी कि 10 गुना कम जमीन में सारा काम आसानी से हो जाएगा। जानकारों की माने तो विद्युत विभाग की तरफ से फ्रांस की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कंटेनर में चलंत सब स्टेशन बना दिए गए हैं, जिससे अब पावर सब स्टेशन के लिए जमीन मिलने में हो रही परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जानकारों की माने तो राजधानी पटना वासियों को 4 ई पावर हाउस में से 3 की सुविधा सितंबर महीने की 15 तारीख से मिलने लगेगी। अब आइए आपको बताते हैं कि इस चलंत पावर सबस्टेशन की खासियत है क्या। चलंत पावर सबस्टेशन की सबसे खास बात यह है कि इस सबस्टेशन के ब्रेकर सहित सभी उपकरण एक कंटेनर में बंद होंगे। वहीं इस कंटेनर की लंबाई 12 मीटर 100 इंच, ऊंचाई 14 फीट और चौड़ाई 4 मीटर 100 इंच रखी गई है। इतना ही नहीं, यह सबस्टेशन जब चाहे तब कहीं भी जा सकता है। एक और खास बात यह है कि बारिश और जल जमाव की चपेट में भी यह नहीं आएगा। अक्सर भारी बारिश के कारण जमीन पर बने बिजली घरों में पानी घुसने की समस्या आती है, जिससे काफी समय तक लोगों को बिजली के अभाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस नई तकनीक से लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ ही बाहरी हिस्सों में सिर्फ 10-10 MVA का 2 पावर ट्रांसफार्मर लग गया है। इसको लगाने को लेकर चबूतरा बना दिया गया है। कंटेनर के अंदर उपकरणों को ठंडा रखने के लिए 6 AC लगाए गए हैं। इस पावर सबस्टेशन को पेसू स्क्वाड से संचालित किया जा रहा है। मैन पावर की जरूरत नहीं है। वहीं इस स्टेशन की स्थापना की बात करें तो फिलहाल पटना के छज्जूबाद, प्रेस क्लब कैंपस, बाजार समिति, बकरी बाजार और गुलजारबाग आपूर्ति प्रमंडल के पंचशिला मंदिर हाई स्कूल के पास इसकी स्थापना कर दी गई है। छज्जूबाग में स्थापित ई पावर हाउस में कर बिघिया ग्रिड और जक्कनपुर ग्रिड के 33 KV फीडर से जुड़ा रहेगा। यहां से निकलने वाले 11 KV के फीडर भी भूमिगत रहेंगे। इस पावर सब स्टेशन के बाद बिजली का तार नहीं दिखेगा। पावर ट्रांसफार्मर भी पटना आ गया है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए 4 तथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के लिए 2-2 ई पावर हाउस स्वीकृत है, जिसके बाद अगले 1 सप्ताह में पावर ट्रांसफार्मर स्थापित करने का काम शुरू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस खास पावर हाउस के लिए फ्रांस की कंपनी स्लाइडर इलेक्ट्रिक से कंटेनर की खरीदारी की गई है। ज्ञात हो कम जगह में स्थापित किए जाने वाले ई पावर हाउस के लिए जगह कम होने के कारण लोगों की जरूरत भी कम ही मात्रा में होगी, यानी कि कम मेहनत के साथ बिजली घर का संचालन अब बिहार में संभव होने वाला है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।